तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी ओमनी के बारे में। बेसिकली इसका बात करने का कोई टॉपिक नहीं बनता, बट यार मेरे को लगता है ओमनी के बारे में आधे से लोग ज्यादा भूल चुके हैं, लेकिन जिन्होंने एक बार चलाई है उनके दिलों में आज भी ओमनी है। क्योंकि जब भी कोई बंदा ईको लेता है उसके दिमाग में जरूर ओमनी आती होगी, या फिर कोई वैन टाइप की गाड़ी लेता है हमेशा उसके मन में ओमनी जरूर रहती है, मारुति सुजुकी वैन। तो गाइज, इसके बारे में मैं बात करूंगा। डिसकंटिन्यू क्यों हुई ये तो हम सभी को पता है। इसी के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो मेरे को काफी ज्यादा पसंद थे। इसको लोग इंडिया में इतने ज्यादा पसंद करते थे और तभी 35 साल इसने इंडिया में राज करा और लोगों ने आंखें बंद करके इस गाड़ी को लिया। ये इंडिया की शान थी, आन थी, बान थी। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे क्यों ये लोगों की इतनी ज्यादा फेवरेट थी। गाइस, इसमें हम बात कर सकते हैं क्योंकि लोग इसको इसलिए लेना पसंद करते थे बिकॉज ये बिजनेस पर्पज के लिए नंबर वन थी। सेकेंड, एम्बुलेंस में भी ये यूज होती थी। थर्ड, स्कूल वैन भी ये यूज होती थी और लोग इसे अपने पर्सनल यूज के भी लेते थे एंड बिजनेस के लिए तो नंबर वन पे थी। तो लोग जो भी कारोबार करना चाहते थे, वैन कभी भी कोई लेता था उसको घाटा नहीं होता था। जैसे इको का है, वैन कोई भी बंदा लेता था उसे कभी घाटा नहीं होता, या फिर वो उसे टैक्सी में चला सकता है या स्कूल वैन में या उसे एम्बुलेंस में। देखे चलो एम्बुलेंस वाला मॉडल तो आता था, या फिर इसको ये बंदा कहीं कैटरिंग में लगा सकता है, कहीं अपने पर्पस के लिए यूज कर सकता है या फैमिली के लिए यूज कर सकता है। ये एक बेहतरीन कार थी ओवरऑल। इसको लोग आराम से कहीं भी जा सकते थे और कोई पंगा नहीं पड़ता था। और गाइस, अगर फैक्ट बताऊं तो लोगों के इससे घर चल रहे हैं। इसने एक घर चलाया लोगों के, चाहे वो स्कूल वैन से चलाया हो, चाहे लोगों ने कैटरिंग का बिजनेस करा हो, चाहे लोगों ने टैक्सी का बिजनेस करा हो, चाहे कोई भी बिजनेस कराओ ट्रांसपोर्ट का, इसने लोगों के घर तक चलाए हैं। ये अगर आज भी अगर थोड़े अपग्रेड्स के साथ आती ये जरूर इंडिया में सक्सेस होती, बट कोई नहीं, जिस चीज ने राज करा उसका राज खत्म भी होता है। सेकंड पॉइंट, इसका इंजन एंड इसकी ड्राइव क्वालिटी। देखो मैं बता दूं अपने एक्सपीरियंस से, मेरे पास वैन रह चुकी है, मैंने 6 साल चलाई है, बल्कि मैं बता दूं मैंने वैन से ही गाड़ी चलाना सीखा था। तो गाइस देखो, इसका जो इंजन आता है 800 सीसी का इंजन आता है। बेशक इसका इंजन कम था लेकिन इसकी जो ड्राइव क्वालिटी थी काफी ज्यादा बेहतर थी। हाँ, इसको मैं टॉप स्पीड का बताऊं, जैसे मैं 100 पे जाता था लेकिन, तो गाड़ी थोड़ी डरा देती थी, बंदे को पलटने का डर रहता था। लेकिन अगर आप इसकी स्पीड 80-90 या 100 से नीचे नीचे रखते थे तो ये गाड़ी एकदम सही चलती थी। इंजन इसका 800 सीसी का था, एवरेज की ये बाप थी, एवरेज कितनी बढ़िया निकाल के देती थी। अगर एवरेज की बात करो तो इसमें बता दूं LPG, CNG एंड पेट्रोल पे आती थी और तीनों में एक ही इंजन आता था। ये सबसे ज्यादा अगर मैं सक्सेस बता दूं तो उस जमाने में थी, LPG में काफी ज्यादा चली थी वैन, LPG में लोगों ने काफी ज्यादा इसका फायदा उठाया। सेकंड फिर CNG का, CNG में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मतलब एक ड्राइव क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा अच्छी थी और एवरेज के बेहतरीन भी अच्छा था। अगर मैं इसकी जैसे वैन थी, अगर इसका आप टर्न रेडियस देखोगे, काफी आराम से इसके टायर के चक्के मुड़ जाते थे और काफी आराम से उसको कहीं भी लगा सकते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो ये पॉजिटिव था, तो साथ साथ इसका नेगेटिव भी जोड़ दो, इसकी सीट एकदम फ्रंट में थी तो वो मतलब आप मान सकते हो एक्सीडेंट होते थे, कहीं सेफ्टी का इसमें नहीं था, ना इसमें ABS था ना ABD था, तो इसलिए इसको बंद करना पड़ा, ये भी रीजन था। लेकिन ड्राइव क्वालिटी वाइज ये काफी ज्यादा अच्छी थी। तो गाइस थर्ड, इसका प्राइस रेंज, जिसका प्राइस रेंज था उस टाइम पे भी और जब तक ये बंद नहीं हुई, इसका प्राइस रेंज काफी ज्यादा अच्छा था। आप देख सकते हैं, आपको यह प्राइस रेंज शोर होगा कितना मिनिमम प्राइस था। इस प्राइस में आजकल कोई गाड़ी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे आपको वैन मिल जाती थी। जो कस्टमर इसको बाय करता था उसकी पॉकेट में बिल्कुल असर नहीं पड़ता था और एक गाड़ी 5 सीटर 8 सीटर में ज्यादा डिफरेंस था प्राइस में, तो लोग इसको ज्यादा लेना प्रेफरेंस करते थे और गाड़ी लाजवाब थी। इस पॉइंट में बात करूं तो इसकी जो अंदर स्पेशियस थी ना वो काफी ज्यादा थी। मैं बता दूं, जैसे आपको बता दूं इको थोड़ी सी ज्यादा स्पेशियस है लेकिन ये भी कम स्पेशियस नहीं थी। उस टाइम पे इको जैसी गाड़ी आती भी नहीं थी, तो इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस बना के दिया था। लोग इसके अंदर वॉशिंग मशीन, मैंने तो ये भी देखा लोगों ने इसके अंदर बाइक डाल के, मेरा लाइव एग्जांपल है, लोग इसके अंदर बाइक डाल के लेके आए थे। तो गाइस ये काफी ज्यादा सामान कैरी कर लेती थी और यार एक सेफ्टी में बता दूं तो मतलब और सामान कैरी कर लेती थी और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी थी वो भी काफी ज्यादा लाजवाब थी। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी आप अगर कभी भी देखोगे, बम्पर तक भी देखोगे, इतना स्ट्रॉन्ग था। 10-10, 20-20 साल तक यूज करने के लिए इसमें ज्यादा डेंट पेंट नहीं होते थे क्योंकि गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी थी काफी स्ट्रॉन्ग थी और तभी ये लॉन्ग लास्टिंग रहती थी। साथ ही साथ बता दूं इसमें लो मेंटेनेंस, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं आती थी ज्यादा। आप नॉर्मल भी है ना, जो बंदा बिजनेस करते हैं वो बिजनेस से निकाल के तो कार में लगा लेगा, लेकिन जो बंदा फैमिली के लिए यूज कर रहा है ना उसकी पॉकेट में ज्यादा लोड नहीं आता था। बहुत कम जलता था, इसमें बहुत कम चीजें यूज होती थी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने 5 साल यूज करी है,
काफी ज्यादा बेहतरीन काम थी। इसमें ज्यादा पेट्रोल भी नहीं लगता था, इसके अंदर ज्यादा चौसलेबाजी भी नहीं थी, बिकॉज इसके अंदर एसी भी नहीं था, तो एसी की सर्विस तो होती नहीं थी। ये थोड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट मान लो एसी नहीं था, लेकिन एवरेज थी और ये सब था। तो ये सब तो मैंने पॉइंट बता दिए जो प्रैक्टिकल थे, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो देखो, मैं इसके आपको अपनी तरफ से नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट रखता हूँ अपनी तरफ से। देखो जो जो मैंने महसूस करा 5 सालों में, अब तो नहीं है वैन, लेकिन वैन कभी बहुत याद आती है। देखो पहला अगर इसका पॉजिटिव पॉइंट रखूं तो इसकी भाई अगर बता दो स्पेशियस काफी थी, लेकिन भाई अगर नेगेटिव पॉइंट रखूं, काफी ज्यादा गर्मी में परेशान करती थी। एक तो एसी होता नहीं था, मुझे अभी भी याद है हमें कहीं जाना होता तो सीट के नीचे से इसकी हीट निकलती थी, वो काफी ज्यादा परेशान होता था बंदा उस हीट में। एक तो गर्मी ऊपर से हीट में, तो वो भी काफी ज्यादा गंदी चीज लगती थी। एवरेज अच्छी थी, लेकिन भाई अगर इसका नेगेटिव पॉइंट बता दूं, इसमें लोगों ने कईयों ने कंप्लेन करी कि इसकी नेगेटिव चीजें हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, बेहतर इतनी बेकार भी नहीं थी जैसे मारुति अब दे रही है, लेकिन उस टाइम पे लोगों ने कंप्लेन करी कि इसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं है। ये मैंने कहीं पढ़ा था, मेरे को तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन ये कहीं मैंने पढ़ा था। थर्ड पॉइंट बता दूं, चलाने में काफी ज्यादा इजी थी, पॉजिटिव पॉइंट है, चलाने में काफी ज्यादा, सारा नीचे एक्सीलेटर गियर पास में और स्टीयरिंग पास में, तो एक तो बोनेट होता नहीं था, तो कहीं भी गाड़ी को काट कूट सकते थे, आराम से ले जा सकते थे। मतलब जो बंदा सीख रहा है ना, उसके लिए भी काफी अच्छी थी, वो बंदा आराम से सीख सकता है, उसको बोनेट तो हो नहीं सकता था, तो चलाना वो सीख जाता था, तो ये चीज थी। लेकिन भाई अगर इसका नेगेटिव पॉइंट, सेफ्टी में इसमें जीरो थी, सेफ्टी बिल्कुल नहीं थी, तो काफी लोग इससे परेशान हुए थे, सेफ्टी के रीजन के लिए ही इसको बंद करा गया। कि जब नए रूल्स निकले कि अब गाड़ियों में सेफ्टी होनी चाहिए या फिर उसके अंदर 2 एयरबैग्स होने चाहिए तभी गाड़ी बिकेगी, वरना नहीं बिकेगी, तो उन्होंने इसका अपडेट नहीं करा, क्योंकि ये गाड़ी बिक नहीं रही थी वैन, तो उन्होंने सीधा इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको शेयर करा। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मेरे को एंड करनी चाह रही है, वरना मैं इस वीडियो 1 घंटा बोल सकता हूँ, मेरे पास इतने पॉइंट्स है। तो गाइस मेरे को कमेंट करके बताना क्या मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं, क्योंकि मेरे को यार काफी ज्यादा बातें करनी है, लेकिन वीडियो लिमिट रखनी पड़ती है मेरे को, क्या करें इतना बड़ा चैनल नहीं है ना। तो यार ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना प्लीज, अगर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कमेंट बॉक्स में करना। और ये काफी ज्यादा मेहनत से बनाई है वीडियो, यार मेरे चैनल में 12,000 सब्सक्राइबर है, इसको 50,000 लेके जाओ, आपके साथ बहुत बेहतरीन बेहतरीन वीडियो शेयर करने वाला। तो वीडियो एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, जाओ भाग के करो। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।